भारतीय राज्य व्यवस्था में अब एक नजर कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों पर। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। सातवां संशोधन अधिनियम 1959 इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। दसवां संशोधन अधिनियम 1961 दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। ग्यारहवां संशोधन अधिनियम 1961 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। बारहवां संशोधन अधिनियम 1962 गोवा दमन व दीव भारतीय संघ में शामिल। तेरहवां संशोधन अधिनियम 1962 के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। चौदहवां संशोधन अधिनियम 1962 पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल। हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा गोवा दमन व दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन अधिनियम 1969 असम से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। 31वां संशोधन अधिनियम 1972 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 98वां संशोधन अधिनियम 1987 संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 नागरिकों के मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 17वां संशोधन अधिनियम 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए अर्थात वर्ष 2026 तक के लिए रोक लगाई गई।
छियासवां संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 क के तहत व्यवस्था की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 51 क के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेंगे। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। 92वां संशोधन अधिनियम 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची वर्जित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9ख जोड़ा गया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा और 103वां संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।